हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जहां पे आज हम खेल रहे हैं एक हॉरर गेम जो कि है इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ इंसिडेंट्स। स्टोरी ये है कि ये एक लड़की है जिसका नाम है केट, जिसकी शक्ल हमें यहाँ पे सामने दिख रही है, जिसका एक रिलेशनशिप था लियम के साथ और उनका हो गया ब्रेकअप। लेकिन जो लड़का था वो अभी भी इस लड़की से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है एंड अब वो कर रहा है उसको स्टॉक, समझ रहे हो, एंड इसीलिए गेम का नाम है द स्टॉक्ड। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मुझे लियम के साथ ब्रेकअप करना पड़ा, लेकिन आई होप उसने सब कुछ अच्छे से लिया हो। आई मीन हु नोस, लड़के एक्चुअली ब्रेकअप के बाद इतनी जल्दी मूव ऑन नहीं कर पाते। दैट्स अ फैक्ट। अपने इंसिडेंट से नहीं बता रहा हूँ मैं, बट इट्स अ फैक्ट। लड़कियाँ फिर भी शायद थोड़ा जल्दी मूव ऑन कर जाती है, बिकॉज एक्चुअली पता क्या है, लड़कियों के लिए लड़कों की लाइन लगी पड़ी है, लेकिन लड़कों के लिए लड़कियों की लाइन लगी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये सच है, तुम बोलोगे कि नहीं भाई ये तो आप कुछ भी बोल रहे हो, बट यही सच है। ओके, घर तो एक्चुअली काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है। आई एम नॉट इवन किडिंग, बट ऐसा लग रहा है कि मैं सच में घर के अंदर चल रहा हूँ। वेरी रियलिस्टिक, नाइस ग्राफिक्स। ये कैसी आवाज़ थी? मुझे खाना बनाना है, मुझे भूख लग रही है। अगली को तो बेडरूम में लैम्प खा ले। आई मीन ऑब्वियसली लैम्प तो नहीं खाएगी। ये तो डिश वॉशिंग एरिया लग रहा है, तो यहाँ पे ये ले रुमाल खा ले, यहाँ पानी पी ले, बाथरूम में साबुन खा ले। एक्चुअली नहीं, मत खा, बीमार हो जाएगी। तो किचन एरिया तो सामने ही है, बट ये एरिया तो काफ़ी ज़्यादा खाली सा लग रहा है, तो यहाँ पे क्या बनाऊँ मैं खाने के लिए? फ्रिज खुलेगा और फ्रिज में केचप पड़ी है, केचप उठा ले। अरे बंद नहीं करना है, कुछ तो उठा फ्रिज में से, भूख लगी है, खुद ही तो बोला तूने। अच्छा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है, फ्रिज खोल रही है और बंद कर रही है। वाह रे वाह, ओह ये है कुछ, पैन लिया, ये पैन को तवे पे रखा और ये तवा कर दिया ऑन। अब क्या करूं? अब फ्रिज खोलना होगा शायद। ओह यस, ऑर्गेनिक फूड लिया और ये इसमें डाल दिया। अरे वाह, खाना बना दिया है जी। Who would be knocking on my door at this hour? इतनी रात को मेरे दरवाजे पे कौन नॉक कर रहा है? हेलो लियम, कहीं तू तो नहीं आ गया है? क्योंकि ऑब्वियसली तू स्टॉकर है मेरा, यही गेम की स्टोरी है, तो यही होने वाला है, आई थिंक सो। कौन है? लियम, hey honey. Can I come in? ए भाग जा कुत्ते। लियम, मैंने तुम्हें बोला ना, हमारे बीच में सब खत्म हो चुका है, तुम घर में नहीं आ सकते हो। लियम बोलता है, बेबी कम ऑन, मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें हर चीज से ज्यादा प्यार करता हूं। तो मैं बोलती हूं, बोलती हूं इट्स ओवर लियम, चुपचाप घर जाओ, दरवाजा खोलो। केट, लियम भाई तोड़ रहा है दरवाजा। मैं दरवाजा नहीं खोल रही हूं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूं लियम, अब मुझे विलियम मिल गया है। क्या? विलियम, तुम मेरी होगी फिर से। जा रहा है, साउंड्स लाइक ही वॉक्ड अवे। थैंक गॉड चला गया, छपरी कहीं का। खाना बन गया होगा, खाना बन गया, खाने में तो आग लग गई है। गैस बंद करते हैं, खाना उतारते हैं। यम 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 यम, मजा आ गया खाना खाके। अब अपने आप को काम करने के लिए मुझे नहा लेना चाहिए। नहाने वाला सीन तो नहीं दिखाएंगे आई थिंक, मतलब फिर तो 18 प्लस हो जाएगी भाई वीडियो। कौन था ये, क्या था? शिट, किसी ने भाई
पत्थर फेंक के तोड़ा है। प्लीज मुझे एक और चांस दे दो, मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगा और ऐसा कुछ नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस, जस्ट एक चांस। क्या ये बहुत ज्यादा है? XOXO लियम, नो 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 नो, आई गॉट अ लीव बिफोर ही डज समथिंग वर्स। मुझे घर से, अपने घर से भागना पड़ेगा। अरे तू, तेरा ही तो घर है, यहां से कहां भागेगी? वेट व्हाट, एक सेकेंड, एम आई ब्लाइंड यहां पे? तेरी तो लियम के बच्चे। घर के अंदर आया कहां से? शीशा उसने इस साइड का तोड़ा। ओके, सीधा गाड़ी में पहुंच गए, फोन उठाया, 9:33 हो रहे हैं, ग्रैंडपा को फोन मिलाया। हेलो ग्रैंडपा, मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ बोलो केट, क्या चल रहा है? ग्रैंडपा, लियम मेरे अपार्टमेंट में घुस आया और मेरे पीछे भागा। मैं बड़ी मुश्किल से उससे बचकर भागी हूँ और अब मैं कार में हूँ। ग्रैंडपा, बहुत बुरी बात है, क्या तुम ठीक हो? क्या उसने कुछ किया? नहीं नहीं, मैं बच के आ गई हूँ, लेकिन अब मुझे बहुत डर लग रहा है, वो मुझे पकड़ लेगा। अच्छा, मेरे को लग रहा है तुम्हें एक रहने की जगह चाहिए। हैं? अबे वो पुलिस को बुलाओ भाई। मेरा एक मैंशन है तुम्हारे घर से 1 घंटा दूर, इट शुड बी एम्प्टी फॉर अ कपल ऑफ वीक्स। ओके थैंक यू ग्रैंडपा, क्या मैं वहां पे जा सकती हूँ? हाँ हाँ, मैं तुम्हें वहां का एड्रेस भेजता हूँ और चाबी भी वहां पे बेसमेंट में पड़ी है। ओके थैंक्स ग्रैंडपा, आपने तो मेरी जिंदगी बचा ली। कोई दिक्कत नहीं, मुझे उम्मीद है सब सही होगा, और घबराना मत, मुझे फिर से फोन करना। अबे ग्रैंडपा, एक आदमी ने मेरे को लिटरली चेस करा है, मेरे को मारने की कोशिश करी है, तो पुलिस को बुलाना। तुझे एक नए घर चाहिए, रहने की जगह चाहिए, चल मेरा एक घर है वहां चले आइयो, मैंशन में चले जाइयो। अजीब ग्रैंडपा है, अब क्या करूं, गाड़ी चलाऊं? शिट, गाड़ी चला। अबे दरवाजा खोल रहा है वो, भाग 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 भाग। Dude, that was so unexpected. मेरी हार्ट बीट, बहुत ही क्लोज कॉल थी, भगवान का शुक्र है मैं बच गई। लियम अब मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। हाँ आई होप सो, लेकिन अगर वो तुझे स्टॉक कर रहा है तो तेरे पीछे भी तो आ ही सकता है ना। आई हैव फाइनली ब्रोकन फ्री फ्रॉम दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप। सही बात है, घटिया आदमी था लियम। छी 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 पूपू थू। केट, हम ज्यादा अच्छा डिजर्व करते हैं केट। आई एम केट। तो केट अब घने जंगलों में गाड़ी चला के शहर से 1 घंटा दूर। ओ शिट, पीछे कोई आ रहा है। ओ नो, क्या लियम मुझे फॉलो कर रहा है? नहीं, मेरा बस दिमाग खराब हो रहा है, मैं ज्यादा ही टेंशन ले रही हूं। ऑफ कोर्स वो नहीं है, प्रोबेबली कोई नेबर होगा जो पास में रहता है। ऑफ कोर्स, अरे ग्रैंडपा ने मेंशन ले रखा है भाई, क्या बात है। अरे ग्रैंड डॉटर को पता ही नहीं था। F टू टर्न ऑन फ्लैशलाइट। ओके, ये फ्लैशलाइट ऑन है तो फ्लैशलाइट की लाइट तो है नहीं, इसका नाम फ्लैशलाइट क्यों रखा है फिर? ग्रैंडपा ने बोला था चाबी बेसमेंट में है। ओके, अब बेसमेंट कहां ढूंढो? ओ ग्रैंडपा, बेसमेंट कहां? एक तो फ्लैशलाइट इतनी कमाल की फ्लैशलाइट है कि लाइट ही नहीं है फ्लैशलाइट में। अब बेसमेंट यहां तो राइट में होगी, बैकवर्ड नीचे देख के चलना पड़ रहा है, सामने भी नहीं देख पा रहा, इतना अंधेरा है। ओ मिल गई बेसमेंट। वही, मेरे को लगा कोई आ गया।
ग्रैंडपा ने अपनी बेसमेंट में कबर क्यों रखी हुई है? व्हाट द हेल इज ग्रैंडपा डूइंग हियर? ये री चाबी उठा ले, मिल गई घर की चाबी। What the actual hell is grandpa doing अपनी बेसमेंट में? भाई ये क्या है, हैंडकफ्स और यार अजीब अजीब से। grandpa तो बड़े नॉट्टी लग रहे हैं, नॉट्टी हो रहा है grandpa। मुझे क्या है भाग, अच्छा एक मिनट, यहाँ से लाइट वाइट ऑन करने का तो कोई सीन नहीं है? लाइट ऑन करने के लिए कुछ है, स्विच बोर्ड वगैरह, कोई ब्रेकर हो? नहीं कुछ नहीं है। I'll just get out of here and pretend के कुछ नहीं है। ग्रैंडपा की जागीर, जो मर्जी करे, मुझे क्या है। ये मैं पहुंच गया, नहीं आगे और आगे जा रहे हैं भाई। फ्लैशलाइट के नाम पे भाइयों ने, इससे ज़्यादा लाइट तो फ़ोन की टॉर्च में होती है। वाओ इट्स डार्क इन हेयर, लेट्स टर्न ऑन सम लाइट्स एंड फाइंड द बेडरूम। मुझे बहुत जल्दी सोना है, पहले तू दरवाजा बंद कर। ओह लाइट ऑन हो गई, थैंक गॉड। ये भी लाइट ऑन कर ले, थोड़ी सी और लाइट ऑन कर लो। केट, ये तो चार्जिंग पॉइंट, भाई ने चार्जिंग पॉइंट लगा रखे दीवारों पे लाइट की जगह। भाई फॉर रियल, दीवारों पे चार्जिंग पॉइंट है, लाइट नहीं है। सीधा ऊपर जाते हैं, सो जाते हैं। ओके ओके, ये लाइट का पॉइंट है ना। ए क्या बात है, इतना ज्यादा लाइट हो गया है जी। फ्लैश लाइट ऑन ही ठीक है। वाओ जिंदगी में इतना उजाला है, क्या बताऊं। ये तो ग्रैंडपा का ऑफिस लग रहा है। लाइट ऑन कर ले, लाइट, मैं कह तो रहा हूँ लाइट के तो पॉइंट है ही नहीं, ओनली चार्जिंग पॉइंट्स। सो जा प्लीज, सो जा, शांति से सो जा, कोई स्ट्रेस नहीं है। लियम जाए तेल लेने, हमारा नया बॉयफ्रेंड तो विल लियम है। दिन के उजाले में तो अलग ही दुनिया है। रात को कौन सी गेम खेल रहा था मैं? ये तो कोई और ही गेम हो गई। आई बेटर गो चेक द डोर, हो सकता है ग्रैंडपा मुझे मिलने आए हो। हाँ हाँ जरूर, ग्रैंडपा मिलने भी आ गए आपसे, बहुत बढ़िया। एक सेकेंड, पहले ऊपर से ही चेक कर लूँ कौन है, दिखता भी तो नहीं। कौन है बे? लियम तू ही है ना? ओए मेरी गाड़ी देख रहे हो? अरे क्या बात है, लुक्स लाइक ग्रैंड विटारा। नहीं अच्छा ये है क्या कुछ? अबे उठा ले। डियरेस्ट न्यू रेजिडेंट ऑफ दिस मैंशन, मैं इस मैंशन का पिछला ओनर हूं एंड तुम वही पर्सन हो जिसके लिए मैं तलाश में था, जिसकी मैं तलाश में था। आई होप कि तुम यहां पर रुकोगे थोड़े टाइम के लिए। आई एम श्योर यू विल गेट अलोंग जस्ट फाइन। मैं तुम्हें देख रहा हूं, ये कैसा मजाक है? आई कैनॉट बी बॉदर्ड टू डील विद सम स्टूपिड टीनेजर्स राइट नाउ, ऑफ कोर्स। वेल आई बेटर गेट गोइंग टू द कन्वीनियंस स्टोर नाउ बिफोर इट गेट्स डार्क। ओके कन्वीनियंस स्टोर जाना है अब। फियर्स टू फैदम जैसी बनाने की फुल कोशिश है। चलिए फिर गाड़ी में बैठे और चले कन्वीनियंस स्टोर कन्वीनियंटली। गाड़ी चल रही है गाइस, तो अंधेरा कर दिया है। पहुंच गए कन्वीनियंस। टैब टू लुक एट द शॉपिंग लिस्ट, कैंड फूड, स्नैक्स, सोडा, मिल्क, सीरियल, वाइन। ओके
ये मौसम फिर चेंज हो गया, अभी घर पे जब मैं था तो एकदम ही अंधेरा हो रखा था, उजाला हो रखा था, अब अंधेरा अंधेरा सा होने लग गया है। कन्वीनियंस स्टोर कन्वीनियंटली बहुत ही दूर नहीं हो गया ज़्यादा ही। नत्ते भाई साहब कैसे हो, आपको कभी यहाँ पे पहले देखा है नहीं, क्या आप न्यू हो? हाँ मैं अभी अभी आई हूँ। रहती कहाँ पे हो? मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा आपको वो सब बताना, क्योंकि आई हैव अ एक्स बॉयफ्रेंड। क्या तुम अकेली हो? अबे बुढ़े ज़्यादा नहीं हो रहा तेरा, अभी एक सेकंड नुआ मिले हुए। मैं जल्दी में हूँ, आई गॉट अ गो। घूर क्या रहे, साले घूसा मारू तेरे, एक मिनट बल्ला लेके इसके सर पे मार दूँ। ये क्या है, ऑर्गेनिक फूड ले लिया। अच्छा खाना भी तो लेना है, क्या क्या लेना है? कैंड फूड हो गया, स्नैक सोडा मिल्क सीरियल वाइन, स्नैक सोडा। ये क्या है, ये देखियो देखियो किस, ए मट्टे ओ सू भाई की गाड़ी देख रहे हो? कसम से किडनैप करने वाली वैन ही रखी हुई है भाई ने। जाब अबे जा, सीरियल फेंक के मारूंगी, भाग जाए ऐसे, समझ आ रही है तेरे को? वो देख रहे हो तुम, गाड़ी में बैठ के ताड़ रहा है भाई, मैं बता रहा हूं तुम्हें, काले शीशों के पीछे घूर रहा है। अरे खुल जा, अरे भाई ने दुकान बंद कर ली। अरे भाई अजीब सी दुकान है यार तेरे, अबे दरवाजे ठीक करा ले। कोला हो गई, और क्या चाहिए? मिल्क सीरियल और वाइन, वाइन तो ये रही, मिल्क सीरियल और वाइन रह गया बस। सीरियल, एक और गाड़ी आ गई, ये सब के सब मुझे ही घूर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। वाइन, वाइन कहाँ है? ये रही, सब खरीद लिया, चलिए इसके लिए पैसे भरे। अरे भाई साहब एक बात बताइए, वो जो सामने लड़का अभी गया है, वो आदमी जो वहाँ खड़ा था, वो आपका भाई भाई है क्या? सेम दिख रहा था। कैशियर, हेलो ब्यूटीफुल, क्या ये सब कुछ है? ब्यूटीफुल, यस ऑल राइट, टोटल हुआ $28.5। थैंक यू फॉर शॉपिंग हेयर, ऑल्सो आई कैन टेल तुम इस एरिया में नहीं आई हो, तुम कितने टाइम तक रुकी हो यहाँ पे? अबे सबको क्यों जानना है, इसकी इसकी दाढ़ी देखियो, ये क्या छोटी सी निकल रही है दाढ़ी में। मुझे नहीं पता कितने टाइम तक, बट ज़्यादा टाइम तक नहीं ऐसा अज्यूम। ऑल राइट हैव अ गुड डे, एंड ये रही तुम्हारी ग्रोसरीज। भाई कैसे, थैंक्स। देख 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 कैसे घूर रहा है, देखियो देखियो, मैं इधर भी जाऊँगा ना तब भी घूर रहा होगा, देखना देखना मैं बता सकती हूँ, सारे के सारे ये ऐसे ही हैं, सब मुझे घूरते रहते हैं। देखो देखो देखो, तिरछी टेढ़ी आंखों से पक्का मुझे ही घूर रहा है, कुत्ता कहीं का। चल दरवाजा खोल। ओह माय गॉड, तुम्हें पता है तुम्हारे जैसी एक ब्यूटीफुल लेडी को ऐसे अकेले नहीं होना चाहिए। अबे छपरियों के उस्ताद, घुमा के मारूंगा ना उल्टे हाथ का, साले जैसे भाग के आया है तू, यहां पे ब्यूटीफुल लेडी छोड़, ब्यूटीफुल लेडी की पॉटी निकल गई भाई, ऐसे करके भाग के आया, ऐसे कौन मिलने आता है? और सबको भाई मुझे देख के, ब्यूटीफुल लेडी तुम्हें अकेले नहीं होना चाहिए, भाई ऐसा क्या है इस एरिया में, इतना खतरनाक एरिया है क्या, चाहिए क्या तुझे छपरी? मेरी कुछ विशेज हैं, बट आई थिंक इट इज बेट इट इज बेस्ट अगर मैं चुप ही रहूं। ये तो बहुत ही गलत आदमी लग रहा है भाई। बी केयरफुल एंड डोंट लेट मी कैच यू ऑल अलोन अगेन। ये खुल्ले खुल्ले
कुल्ले एकदम ग्रोसरी स्टोर के सामने मेरे को धमकी दे रहा है भाई कि पता नहीं क्या करेगा मेरे साथ। मुझे ना तेरी वार्निंग की जरूरत नहीं है, और मेरी स्पेस को रिस्पेक्ट कर और दफा हो जाए यहां से, घटिया आदमी। ब्रो लेजिट वाज गिविंग वार्निंग्स। भाई एक तो टॉर्च के नाम पे क्या कचरा दिया हुआ है। ओके घर आ गया। बत्तियां चलाओ। वेलकम होम मैसेज आया किसी का। वो लाइट नहीं ऑन हो रही। वेलकम होम, तुम काफी सुंदर लग रही थी स्टोर में आज। मैं तुमसे फिर से मिलने के लिए वेट नहीं कर सकता। एक्सक्यूज मी, तुम्हारे पास आ रहा हूं। ओह नो, सून आई एम देयर। दरवाजा बंद। और व्हाट इफ मैं यहां पे ऑलरेडी आ चुका हूं। बहन बेड के नीचे छुप जा या सो जा। क्या बदतमीजी है भाई। और ये है कौन अननोन नंबर से मैसेजेस कर रहा है। मैं यही हूं। होली शिट भाई, करूं क्या मैं। मेरी तो लाइट भी नहीं ऑन हो रही घर की। ये तो बत्तियां भी नहीं चल रही अब। और कोई अननोन बंदा कह रहा है मैं यहीं पे ही हूं। अब नंबर कहां से आया इसके पास मेरा। अब क्या करूं मैं, ऊपर ही रहूं नीचे जाऊं, मुझे तो ये तक नहीं समझ आ रहा। ओके ऊपर वाला फ्लोर तो मैंने पूरा चेक कर लिया, यहां तो कुछ नहीं है। ठीक है बेडरूम में ही था मैं अभी, वहां थी अभी, कुछ नहीं है। आई एम गोइंग डाउन स्टेयर्स, पर मेरी बहुत फट रही है भाई। मेन गेट खोलूं क्या। ओके लेटर पड़ा हुआ है। डियर न्यू रेजिडेंट, यहां पर बसने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम्हें लगता होगा कि इस मैंशन में तुम सेफ हो, बट एवरी स्टेप दैट यू टेक रिवील्स अ डीपर गेम। आई एम विद यू इन एवरी चॉइस, हर मूव में मैं तुम्हारे साथ हूं। इनेविटेबल एंड से बच नहीं सकती तुम। मुझे लगता है गाड़ी में बैठ के भाग जाता हूं। अरे बहन गाड़ी में बैठ, निकल ले। निकल गए। टू बी कंटिन्यूड। ओके अगर तुम्हें मजा आया और सपोर्ट करना चाहते हो तो इसको स्टीम पे विशलिस्ट कर लो। अ हॉरर गेम मेड बाय अ सोलो डेवलपर कॉर्विन रूलर। मैं बहुत वियर्ड नेम है बट हैट्स ऑफ भाई, इतनी छोटी सी देर में लाइक लेजिट इट्स अ 20-25 मिनट्स की गेम, एंड उसमें जो चीजें हो रही थी मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई गॉड, मतलब एक रियल इंसान के साथ ऐसी चीजें हुई हैं। एंड डैम मैं तो गेम खेलते हुए मेरी फट रही थी, जिसके साथ सच में ऐसी चीजें हुई होंगी उसके साथ तो क्या ही भाई। एंड अभी तो ये गेम जो है कंप्लीट नहीं है, अभी और आएगी। तो अगर वो जब आए और तुम चाहते हो
कि मैं कंटिन्यू करूं इसे, पूरी गेम खेलूं, तो लाइक कर देना इस वीडियो को. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.